इस तरीके की ट्रेन है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं अभी खड़ा हूँ पुलकोव एयरपोर्ट पे, सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट पे, और मेरा पीछे का व्यू, सो मेरे भी हाथ भी कांप रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और मैंने दस्ताने भी पहने हुए हैं। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ कज़ान, जस्ट वन डे ट्रिप है, शॉर्ट ट्रिप है क्योंकि मेरी छुट्टी थी आज थर्सडे फ्राइडे की, मेरा ऑफिस से ऑफ डे था और साथ ही मेरी छुट्टी थी, यूनिवर्सिटी से भी कोई मेरा कुछ सीन नहीं था आज। तो मैंने कहा क्यों ना एक शॉर्ट ट्रिप मैंने बनाया, कल ही मैंने टिकट कर दी है और मैं भी जा रहा हूँ कज़ान। और हालांकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया रशिया में और मैंने सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा कुछ देखा नहीं आज तक, मतलब कि मॉस्को गया हूँ लेकिन कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं मेरे से मिलने के लिए, मेरे से ज़्यादा घूम के चले जाते हैं रशिया। तो मैंने डिसाइड किया कि हर महीने एक सिटी तो मैं एटलीस्ट कवर करूँगा। सो मैंने कल टिकट करी, मुझे सस्ती टिकटें मिल रही थी, मुझे करीब 4,000 में टिकटें मिल गई आने की जाने की दोनों। सो अभी चलते हैं कज़ान और वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या अलग है, मुझे क्या डिफरेंट। मैं चला अंदर डिपार्चर की तरफ और मैं रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं करूँगा ज़्यादा अंदर, और बाकी आगे का माहौल बताते हैं। चेकिंग देखो इस तरीके से हो रही, जैकेट भी करवा दिया, जूते भी करवा दिए, वैसे इतनी खतरनाक चेकिंग हो ही सकती भाई। इतनी ख़तरनाक चेकिंग मेरी आज तक ना कभी इंटरनेशनल ट्रैवल में भी नहीं हुई, जबकि ये डोमेस्टिक ट्रैवल है। मेरे जूते वूते जुराबे भाई इन्होंने सब उतरवाया, मेरा नहीं मतलब सब का ही। तो बहुत ख़तरनाक चेकिंग चल रही है रशिया में भाई, अब जो लोग फ्लाई कर रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के यहाँ अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो। भाई मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुका है, सो मैं अभी आके एक कैफे में बैठा हूँ क्योंकि अभी फ़्लाइट में बहुत टाइम है। और मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रूमर्स सुने थे कोवेदा एयरलाइंस के बारे में, जिसका मीनिंग होता है विक्ट्री इंग्लिश में कोवेदा। तो मैंने काफ़ी सारे रूमर्स ये सुने थे कि ये फ़्लाइट बड़ी बेकार है, मतलब कि सामान वामान को लेके लगेज को लेके बड़े इशू आते हैं। इनके पास ना स्पेशली एक वो होता है कैरियर होता है टाइप का, उसमें अगर आपका जो हैंड लगेज है उसमें फिट नहीं होता तो आपको अंदर ले जाने नहीं देते हैं। तो मैंने कई सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी थी, हालाँकि फ़्लाइट काफ़ी सही है, बड़ा स्मूथ प्रोसेस हुआ है, मतलब मुझे एक मिनट के अंदर में बोर्डिंग पास मिल गया। और बहुत ही बस ये है कि चेकिंग में तगड़ी हुई थी, अगर आप आते थोड़ा टाइम निकाल के जाना। और बहुत ही सस्ती फ़्लाइट होती है भाई, लिटरली जैसे अपने यहाँ इंडिया में इंडिगो को एयर की सस्ती मिल जाती है ना वैसे ही। और यहाँ से करीब 1600-1700 किलोमीटर दूर है कज़ान, और बाकी वहाँ पर जाके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। मैं आपसे अंदर को फ़्लाइट भी दिखाऊँगा। और हाँ, यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट वेबसाइट है टिकट्स बुक करने के लिए, क्योंकि पहले मैं करता था स्काई स्कैनर से, क्योंकि उसने अपनी सारी सर्विसेज बंद कर दी है अब रशिया के अंदर। तो आप यूज़ कर सकते हो आविया सेल्स, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो रशिया का टाइप ऑफ खुद का इनका साइज के अंदर, वहाँ पर बहुत सस्ती टिकटें मिल जाती हैं। तो मैंने वहीं से करी थी, मुझे बाकी मार्केट से मतलब बाकी वेबसाइट से कंपैरिजन में 700-600 रुपये मुझे सस्ती टिकटें पड़ी थी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आविया सेल्स की वेबसाइट ही यूज़ करें। सो अब आगे देखते हैं क्या होता है, बड़ा ही प्यारा एयरपोर्ट है और यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट से भी मैंने कभी सफ़र नहीं किया है। मैं हमेशा यहाँ से जाता हूँ मॉस्को, फिर मॉस्को से फ्लाइट लेता हूँ डायरेक्ट एयरपोर्ट की। सो आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो भाइयों मैं पहुँच चुका हूँ कज़ान पे, और यहाँ पे एक जैसे चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर मैं चार्ज कर रहा हूँ अपना फ़ोन, बिल्कुल चार्ज नहीं है। और मैंने अंदर कोई ख़ास रिकॉर्डिंग करी नहीं क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था इतने लोगों के सामने रिकॉर्ड करने में। अच्छा, मुझे एक चीज़ और यूनिक दिखी है, वो है कज़ान एयरपोर्ट पे प्रेयर रूम, अगर आप देख पा रहे हो। देखो मैं जा रहा हूँ अभी कज़ान एक्सपो से। सो बेसिकली कज़ान एक्सपो क्या है, कज़ान एक्सपो एक तरह की एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे कि दिल्ली में एक ट्रेन है एक्सप्रेस वे जो कि मेट्रोज हैं जो डायरेक्ट एयरपोर्ट पर अपने को पहुँचा देती है। इस तरीके से ये सेंट पीटर्सबर्ग में भी है, मॉस्को में भी है और कज़ान में भी है। ये क्या है कि अगर आप टैक्सी बुक करोगे तो आपको अराउंड 800-900 रुपये की पड़ रही है, मैंने भी चेक किया था तो मेरे को 813 की दिखा रहा हूँ। यहाँ से बस से जाऊँगा फिर एक मेट्रो से जाऊँगा तो मेरे को करीब करीब 2 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा 46 मिनट दिखा रहा है। अभी दूसरा रास्ता ये होता है कि एक्सप्रेस वाली ये जो ये है क्या कहते हैं ट्रेन्स जो कि मेट्रो की तरह ही होती हैं, इसको ले लो तो ये आपको पहुँचा देती है। लिखा एक्सप्रेस सेंटर कोई दिख ही नहीं रहा यार, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो मुझे एक लड़की ने बताया कि 8:30 बजे यहाँ से एक मेट्रो है या ट्रेन है जो आपको सेंटर में पहुंचा देगी। तो भाई ये है एयरपोर्ट का सीन, यहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं बिल्कुल अकेले जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये पीछे का व्यू है। तो अभी ट्रेन लेते हैं और जाते हैं सेंटर में,
मैं एक हॉस्टल में जा रहा हूँ और पहली बार आया हूँ इधर कज़ान में। देखते हैं कैसा जाता है एक्सपीरियंस। मैंने सुना है कि खाना बहुत ही ख़तरनाक और बढ़िया होता है यहाँ पे, और जो ट्रेन है वो यहाँ पे आएगी करीब करीब अराउंड 8:30 बजे, जो कि डायरेक्ट मुझे सेंटर में पहुँचा देगी। वैसे दिखा रहा है कि 20:30 पर, यानी कि 8:30 बजे आएगी नेक्स्ट ट्रेन। तो गाइस कज़ान की धरती पर यानी कि तातारस्तान में आपका स्वागत है। और इस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी चेक, यहाँ मेरे को जाना कहीं और था, मैं चला कहीं और गया। बेसिकली मेरे को उस जगह पे जाना जो दिख रहा है ये वाइट कलर का, इसमें तो मैं एग्जीबिशन की तरफ चला गया। मेरे को कन्फ्यूजन हो ही रहा था यार एग्जीबिशन पे लिखा रहा है, तो वहाँ पे उनके लिए है जो होटल्स इन्होंने बुक कर रखे हैं इसी एयरपोर्ट के अंदर, अपार्टमेंट्स वहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यार मेरे को लग रहा है कि छूट ही जाएगी जो 8:30 बजे की ट्रेन है। इस तरीके की ट्रेन है, सो 550 की पड़ी है मेरे को, जो मुझे उतार देगी सिटी सेंटर में। चलते हैं इसके अंदर। मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूँ, मैं वैसे पहुँच गया हूँ कज़ान और ये मुझे 550 के लिए सिर्फ और सिर्फ 54 रुपये की पड़ी। मुझे कन्फ्यूजन हो गया था सुनने में, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कार्ड टैप कर दिया था और सिर्फ 54 रुपये में आप सेंटर आ सकते हो सिटी सेंटर। कितना सही है भाई ये। भाई ये है रेलवे स्टेशन जहाँ पे मैं उतरा था मात्र 54 रुपये में, और अच्छी बात यह है कि यहाँ से सिर्फ 9 मिनट की वॉक पे मेरा हॉस्टल है और बहुत ही सही है, अफोर्डेबल मैंने रूट चुना है। भाई अभी मैं बाय वॉक जा रहा हूँ अपने हॉस्टल पे और रात के 9 ही बजे और इतना सन्नाटा भाई, पानी सेंट पीटर्सबर्ग में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये कि इतना सन्नाटा हो रोडों पे, और बिल्कुल ये रेलवे स्टेशन के पास है। हालांकि मैं देख रहा हूँ फैक्ट्री टाइप का एरिया लग रहा है इस तरफ से, जबकि जो रेलवे स्टेशन है वो सेंटर में है। हो सकता है ये लेक सुबर्वन वाला रेलवे स्टेशन हो, नॉर्मल वाला मेन सेंटर वाला ना हो। तो भाई मिल गया जहाँ आने वाला हूँ। करीब 6 से 7 मिनट का रास्ता है, मतलब कि 600-700 मीटर है। अब जाके अंदर स्टे करता हूँ, मेरे हाथ जम गया भाई। अब बाकी वीडियो बनने फिलहाल के लिए सीखने। तो भाइयों अभी की ये कहानी है कि मैं इस हॉस्टल से निकल चुका हूँ और फ़ोन थोड़ा सा चार्ज कर लिया, मुझे भूख लगी बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। सो अभी एक मेरे को रेस्टोरेंट मिला जो कि नियर बाय है, इसका नाम है देरेवनी बुखारा। का मतलब ये होता है कि विलेज और बुखारा मतलब देरेवनी बुखारा। अभी बेसिकली मेरे को ना एक बंदा मिला था इसी हॉस्टल में जो कि था इसराइली, और इसराइल का बंदा था वो, और वो रह रहा है रशिया में काफ़ी टाइम से, तो रशिया में बात कर रहा था इंग्लिश उसकी थोड़ी हिली दिली थी। तो उसने मेरे से हाथ मिलाया और मेरे से पूछा कहाँ से हो तुम। मैंने कहा भाई मैं इंडिया से हूँ। तो बंदा बड़ा खुश हो गया, मेरे को दुआई देने लगा, बहुत देर से बात कर रहा था, कह रहा था रशिया में अगर मेरे को कुछ बोल दे उल्टा तो बुरा मत मानी, मैं आगे थोड़े टेढ़ी खोपड़ी के भी लोग रहते हैं, मेरा ड्रीम है इंडिया जाना, ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। तब गले वले मिल रहा था, बूढ़ा सा था, तो रशिया में बात कर रहा था, मतलब बढ़िया बंदा मिल गया, अच्छा लगा उससे बात करके। बाकी यहाँ पर ठंड ज़्यादा यार मैंने नोटिस किया सेंट पीटर्सबर्ग से ज़्यादा, वो देखो पीछे जंगल पूरी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ मैंने अब तक क्या क्या किया। यार मैं सेंट पीटर्सबर्ग से निकला, मैंने बस पकड़ी, फिर वहाँ से सीधा एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाइट ली जो 2 घंटे 20 मिनट में इसने मुझे कज़ान पहुँचा दिया, और कज़ान पहुँचते ही मैंने वहाँ से एक ट्रेन ली जिसने मुझे 54 रुपये में कज़ान से यहाँ पहुँचा दिया सेंटर में। अच्छी बात यह कि ये जो जो लोकेशन है हॉस्टल ये बिल्कुल ना सेंटर में है, और यहाँ से सारी खाने की चीज़ें जो मेन होटल है जो यहाँ की मेन स्ट्रीट है वो भी पास में ही है, और अगर आपको यहाँ से जो यहाँ पे क्रेमलिन है या जो मॉस्क है जो फेमस लोकेशन वो बिल्कुल बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे 7-8 मिनट पे जो स्टेशन है और वहाँ से सीधा मैं एयरपोर्ट जा सकता हूँ। मतलब कि मैंने ना ऐसे जल्दबाजी में किया था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ऑफिस से आया और ऑफिस से आते मैंने फटाफट टिकटें कर दी और उसके बाद मैंने ये हॉस्टल कर दिया बिना देखे क्या सही है क्या दिखा रहा है, और इतना सही दिख गया। मैं आपको ना इसका वो भेज दूँगा, क्या कहते हैं लोकेशन मैं ऐड कर दूँगा अब, और बड़ी ही सही लोकेशन पे है, एकदम रेलवे स्टेशन के पास है और सिटी सेंटर से भी पास में। बाकी आगे जाते हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं यहाँ कज़ान्स की मैंने स्पेशली रेस्टोरेंट चूज़ किया है, इसका नाम मैंने आपको बताया देरेवनी बुखारा, वहाँ चलते हैं वहाँ खाते हैं।
बस यही थी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको फटाफट बता दी, जो बताना चाहता था कब से हाथ जम रहे हैं।